बांग्लादेश की टीम ने यहां पर 107 रन बनाई। 107 भारतीय टीम कुछ कमाल का प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन से रोहित शर्मा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। दूसरे टेस्ट मैच में लगातार 3 दिन बारिश बताई गई। 2 दिन में भारतीय टीम इस मैच को क्या अपनी पकड़ में कर पाएगी, इस मैच को ये ड्रॉ की ओर ले जाएगी, ये बांग्लादेश की मुट्ठी से छीन कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। इंडिया बनाम बांग्लादेश के मैच के किसी खिलाड़ी की हालत गंभीर हुई। पुलिस ने उन्हें लड़ाई झगड़े वाला रहा। जिस तरीके से मैच में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारत और बांग्लादेश के मैच का पहले दिन का हाल पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्ट देखिए गाइस। मैं कुछ इंटरनेशनल बड़े लेवल पर देखकर बोलता हूँ कि अली रजा ज्यादा तैयार। चाचा इसकी जरा मैं बजाता हूँ खुल के, कहीं अभी बाज नहीं आने वाला। क्रिकेट इसकी खत्म हो चुकी है, कैरियर इसका खत्म हो चुका है, लेकिन ये घंटे का चाचा ये नहीं बाज आएगा। इसकी तबीयत जरा सेट करता हूँ मैं थोड़ी सी, इसको भी थोड़ा सा ना डंगमंग करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले यार हम रैंकिंग्स की बात कर लें तो टीम इंडिया नो डाउट इस टाइम, देखो वनडे और टी20 की बात नहीं कर रहा, जस्ट टेस्ट क्रिकेट की हो रही है, और मैं असली क्रिकेट मानता नहीं। वनडे और टी20 में भी इंडिया टॉप पे है, ठीक है। मैं टेस्ट किस तरह से बात करूँ, क्योंकि टेस्ट की रैंकिंग आज शाम ही नहीं है यार। आई एम थिंकिंग यू नो के देखें, आपका जो मिसिंग लिंक था वो था आपका बॉलिंग। आप बुमराह तो पहले ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो चैलेंज करता हूं कि अगर उसने सरों पे व्हाट इज प्लान डे इंडिया आर वॉकिंग आउट ब्राउन द थर्ड अंपायर इन दिस टेस्ट मैच। इट्स ऑलवेज फन टू बी एन आवर लेटर विद योर कास्ट कंडीशंस एंड मे बी दैट इट्स बेटर कैप्टन चपली ऑक्टेव व्हाट टू डू आई थिंक इट्स टेरिबल इट जस्ट बी बुमराह the skipper batted at number some of the ball phenomenal yes very got a bit of width outside the at number different sort of bat not out two the lead the results yet partnership that's one thing they didn't get.